मार्केट में एक नए टाइप के सोलर पैनल के चर्चे बहुत जोरों पे हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे फोन और मैसेज रहा कि ये जो पैनल है ये क्या जैसा बताया जा रहा है, जैसा हम सुन रहे हैं, क्या वैसा ही पैनल है? अब फ्रेंड्स, चर्चे हो भी क्यों ना, वास्तव में ही ये पैनल इंडस्ट्री का गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी तक जितने चैलेंजेस हम लोगों को एनर्जी सेक्टर में देखने को मिलते हैं, इन सारे चैलेंजेस का एक सिंगल सॉल्यूशन ये प्रोडक्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ एक नए टाइप के सोलर पैनल के बारे में, जो पैनल को लगाने के बाद में आपको 24 आवर्स आपको बिजली मिलेगी, आपको कोई बैटरी नहीं डालनी है, आपको कोई ग्रिड का इस्तेमाल नहीं करना है। आप बेशक ऐसी जगह रहते हो जहाँ ग्रिड का नामो निशान तक नहीं है, ऐसी जगह भी 24 आवर्स एक पैनल आपको इंटरप्टेड सप्लाई दे सकता है। और जैसे कि बैटरी के अंदर ये डिसएडवांटेज होता है कि बैटरी में अगर आपने करंट एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर किया तो बैटरी की लाइफ भी खत्म हो जाती है और जो बैटरी का बैकअप है वो भी दिनों दिन कम होता चला जाता है। पर इस पैनल के साथ में आपको इन सब डिसएडवांटेज से मुक्ति मिलने वाली है। तो ये है हाइड्रोजन सोलर पैनल। और जैसे कि आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, देखते होंगे, तो बहुत सारी आइडियाज आते हैं, उन्हीं के ऊपर YouTube पे वीडियो बन जाते हैं। पर ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये किसी आइडिया के ऊपर नहीं है, ये मैं आपको प्रोडक्ट के ऊपर बताने जा रहा हूँ और ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बनाया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा, एक बहुत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन सोलर पैनल है कि क्या है, किस तरह वर्क करता है, कन्वेंशनल हमारी जो सोलर पैनल्स हैं उनसे किस तरह अलग है और क्या इसके एडवांटेज हैं और भविष्य में कहाँ कहाँ हम इस सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास में कन्वेंशनल पावर सोर्सेस हैं तो हमें आखिर हाइड्रोजन सोलर पैनल की जरूरत ही क्यों है। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन सोलर पैनल की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि हमारे पास अभी तक जो सोर्सेस हैं एनर्जी को स्टोर करने के, वो दो सोर्सेस हैं। दिन में अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हम सोलर से एनर्जी ले सकते हैं और सोलर की जो हमारी फोटोवोल्टिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने घर के हम लोड चला सकते हैं। अब रात के लिए हम लोगों को बैटरी बैंक की जरूरत पड़ती है, तो दिन में हमें इतना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ता है जिससे हमारा बैटरी बैंक चार्ज हो जाए और रात में हमारी जो इलेक्ट्रिक नीड्स हैं उनकी पूर्ति हो जाए। अब उसके लिए हमें बड़े बड़े बैटरी बैंक्स की जरूरत पड़ती है। अब चाहे बात लेड एसिड की करें, चाहे लिथियम की बात करें, तो इनका एक लाइफ है और सेल्फ डिग्रेडेशन भी आपको बहुत ज़्यादा इन बैटरियों में देखने को मिलता है। अब एनर्जी की जरूरत केवल हमें अपने घर चलाने के लिए नहीं है, एनर्जी की जरूरत हमें और भी कई जगह पड़ती है। और जैसे कि हम लोग आज की बात करें, आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो रहा है। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा नहीं है पर आने वाले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। तो दो तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो मार्केट में हैं, एक में हम लोग अपनी जो बैटरी बैंक्स हैं बैटरी बैंक का हम ये लोग यूज करते हैं और दूसरे जो हैं वो हाइड्रोजन जनरेटेड है जिसमें फ्यूल के तौर पर हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अभी हाइड्रोजन गैस में भी कई सारे जो हैं वो रेवोल्यूशन हो चुके हैं। अभी सॉलिड हाइड्रोजन अगर आपने सुना हो तो सॉलिड हाइड्रोजन को भी बैटरी के रूप में यूज किया जा रहा है और एक बहुत रिलायबल सोर्स वो बनना है। बहुत सारी कंपनियां इस तरह के व्हीकल्स बना रही हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस का जो है वो एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना है। तो इसलिए हम लोगों को इस नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी एनर्जी की जो जरूरतें हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। चाहे हम लोग अपने डोमेस्टिक यूज की बात करें, कमर्शियल यूज की बात करें या फिर हम अपने ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोगों को चाहिए जिसमें हम लोगों की ये कंप्लीट जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए। अब ये जो पैनल है इसका केवल उपयोग आप यही नहीं है कि अपने घर के लिए और अपने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियली भी इस पैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि आप इस वाले प्रोजेक्ट से अगर आपके पास में खाली लैंड है या आप कमर्शियल कुछ काम करना चाहते हैं तो ये एक कमर्शियल एक प्रोटोटाइप भी बहुत अच्छा वाला बन सकता है जिससे कि आप एक अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पैनल जो है वो काम कैसे करता है और ये पैनल है क्या। तो फ्रेंड्स, ये जो पैनल है ये नॉर्मल हमारा जो पैनल जैसे कि आज तक आप देखते हैं मोनो और पोली पैनल्स आपने देखे होंगे, तो सेम फ्रंट जो आपको दिखेगा पैनल का, फर्स्ट अपीयरेंस आपको देखने में लगेगा कि ये तो हमारा ट्रेडिशनल पैनल ही है। तो फ्रंट अपीयरेंस में आपको लगेगा पैनल है पर कन्वेंशनल पैनल की तरह ये सिंगल लेयर नहीं होता है। अब इसके पीछे बहुत सारे ट्यूब्स लगा दिए जाता है
जिन ट्यूब्स की वजह से एनर्जी, तो अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो है वो हमारे एयर है, उसके अंदर हमारी ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी में आप लोगों को पता ही है कि ह्यूमिडिटी के अंदर वाटर होता है। अभी सोलर पैनल को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब एक तरीका तो ये है कि आप अपने डोमेस्टिक यूज के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, और दूसरा ये तरीका ये है कि आप इसको फ्यूचर में अपनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करें। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है बहुत ज़्यादा, और जो सनशाइन है वो साल में कुछ टाइम तक नहीं होता है, तो ऐसी जगह आपको एनर्जी जो है उन टाइम पे इकट्ठी करनी है जिस टाइम पे आपके यहाँ पे सनशाइन होता हो। ऐसी जगह के लिए भी इस वाले पैनल का उपयोग किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने घर के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा सोलर पैनल है, जो हमारा एग्जिस्टिंग, अभी आपने हाइब्रिड मॉडल देखा, तो हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है कि हमारा जो सोलर पैनल है उससे दिन भर आप अपना लोड चला सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा जनरेशन आपके सोलर पैनल ने किया उसको आप नेट मीटरिंग के थ्रू अपनी ग्रिड में डाल देते हैं, या फिर आप अपनी बैटरी बैंक में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वही है, सेम है कि दिन भर जितना भी आप अपना लोड चलाना चाहें तो उतना लोड आप चला सकते हैं, और जितना एक्स्ट्रा और जितना आपको स्टोरेज करनी है उतना एक्स्ट्रा पैनल आपको लगाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा जो भी जनरेशन आपका होगा तो उस एक्स्ट्रा जनरेशन को ग्रिड में नहीं डालना है, बैटरी में नहीं डालना है, उसको जो उसके पीछे ट्यूब्स हैं, जो पैनल के पीछे ट्यूब्स लगाए गए हैं, उन ट्यूब्स की मदद से जो एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी है उस ह्यूमिडिटी से उसको सक कर लिया जाता है और वो वाटर वेपर की फॉर्म में मिलता है। अब जो ये वाटर है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है, और सेपरेट करके घर के बाहर जो हाइड्रोजन टैंक्स, इसमें बड़े बड़े हाइड्रोजन टैंक्स जो है वो लगाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन टैंक्स में गैस की फॉर्म में इस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है उस टाइम के लिए जिस टाइम पे सनलाइट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि आप लोग समझते हैं कि वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना वो कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं है, तो ऑक्सीजन को आप सेपरेटली यूज कर सकते हैं और हाइड्रोजन गैस को आप सेपरेटली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिलती है, ग्रीन हाइड्रोजन को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि उसको सॉलिड हाइड्रोजन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको गैस होम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब भी आपको उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है जिस टाइम पे सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से आप कन्वर्जन करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब ये हाइड्रोजन जो है आप इसको कितने साल भी स्टोर कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी में स्टोर कर सकते हैं, कोई सेल्फ डिग्रेडेशन इसमें नहीं होता है, और ट्रेडिशनल बैटरी की तरह इसमें कोई इस तरह के चैलेंजेस भी नहीं होते हैं, जैसे कि लाइफ स्पैन आपको कम मिला, कई सारे मेंटेनेंस के चैलेंजेस हमें ट्रेडिशनल बैटरी में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि ये जो सोलर सिस्टम है अगर आप लेना चाहें तो कहाँ से आप इसको ले सकते हैं, और सोलर पैनल के मुकाबले कितना परसेंट इफिशियंसी आपको इस पैनल से मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, सोल हाइड नाम की एक कंपनी है जो कि इस मॉडल का लाइव टेस्ट कर चुकी है, इस प्रोजेक्ट को बना चुकी है, और कंपनी का कहना है कि 2026 तक वो इस प्रोडक्ट का कमर्शियल और डोमेस्टिक वर्जन जो है वो मार्केट में ले आएंगे। अब हम लोग इफिशियंसी की बात करें तो सोलर पैनल जो इसके अंदर यूज किए जाएंगे उनकी तो इफिशियंसी वैसे ही रहने वाली है, जैसे कि मैं अगर 2023 की बात करूं तो आपको 23% इफिशियंसी के सोलर पैनल्स मार्केट में मिल जाएंगे। मे बी पॉसिबल कि 2026 तक हम लोग 30% इफिशियंसी का पैनल बना पाए। तो इस सिस्टम की इफिशियंसी उतनी ही रहने वाली है जितने की हमारे सोलर पैनल की इफिशियंसी है, और इस सिस्टम को आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। तो जैसे कि पूरा वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि इसको बनाने के लिए, कि इस सिस्टम को बनाने के लिए चार डिफरेंट मैकेनिज्म को एक कर दिया गया है, चार डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को एक सिंक कर दिया गया है, कोई स्पेशल अलग से किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा रहा है। पहले प्रोसेस में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, दूसरे प्रोसेस में आपको जो एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर से आपको वाटर सक करना है, तीसरे प्रोसेस में आपको वाटर से हाइड्रोजन सेपरेट करनी है, और चौथे प्रोसेस में हाइड्रोजन को आपको स्टोर करना है, और ग्रीन हाइड्रोजन से आप अपने घर की टोटल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।